उस ज्ञान के पात्र हैं। हमें वैसे जाना चाहिएगा, चाहिए था जैसे एक शुक्र गुरु के पास एक सच्चा शिष्य जाता है। ये पद साधक चुनो बहुत कठिन पद है, आचार्य का पद, गुरु का पद। आपके आने के ढंग से, बात करने के ढंग से, खड़े होने के ढंग से, बैठने के, उठने बैठने के ढंग से, आपकी आंखों से, आपकी शक्ल से गुरु झट से पहचान जाता है कि आप कहाँ हो, क्या हो। मत धोखे में रहिएगा। चलो सच्चे शिष्य बन के तो गुरु महाराज की चरण शरण में चलते हैं। आज तैयारी की है, अगले दिन पुनः राजा अश्वपति की चरण शरण में पहुंचे हैं। आज जाके उस दिन तो शायद प्रणाम की अपेक्षा थी, आज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने उठाया, एक चेंज देखी। ये दंडवत प्रणाम करने वाले भी बहुत, लेकिन सच्चा दंडवत प्रणाम करने वाला गुरु खोजता है। पढ़ी लिखी चीजें हैं ना, कहीं पढ़ लिया कि गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सो इसलिए दंडवत प्रणाम। लेकिन भीतर जो प्रणाम करने वाला है वह तो खड़ा है, वह नहीं झुका है, गुरु तो उसकी खोज में है, गुरु उसको ढूंढता है। वह अभी झुका है कि नहीं झुका, वे अभी मिटा है कि नहीं मिटा, वे अभी मरा है कि नहीं मरा, वे मात्र जीवित ही नहीं है, वे तो सिर ऊपर उठाए हुए है, वे तो आपके व्यक्तित्व को दबाए हुए है, आपके अस्तित्व को दबाए हुए है, विषैला किए हुए है। राजा ने दंडवत प्रणाम नहीं करने दिया। उठ मुनियों, बेशक आप शिष्य भाव से आए हो, पर आप ब्राह्मण हो, आप ऋषि मुनि हो, मैं आपका प्रणाम एक क्षत्रिय होते हुए कैसे स्वीकार कर सकता हूं। उनका बड़प्पन है प्रणाम करने में, उनकी पात्रता है प्रणाम करने में, राजा का महात्म, इनकी महानता, इनकी ग्रेटनेस उनके प्रणाम को स्वीकार न करने में है। मैं आपको उपदेश दूंगा, गुरु बन के नहीं, आपको एक सच्चा अधिकारी मान के, एक सच्चा पात्र मान के तो आपको उपदेश दूंगा। उपनिषद कहते हैं सच्चा गुरु वही है जो अपने आप को गुरु मानता नहीं, जो अपने आप को गुरु कहलाना नहीं चाहता, जो अपने आप को गुरु मनवाना नहीं चाहता, जो अपने आप को गुरु की तरह प्रस्तुत नहीं करता, वही सच्चा गुरु है। सुन के याद आती होगी ना स्वामी जी महाराज की, आत्मबोध, राजा अश्वपति ब्रह्मज्ञानी अश्वपति अब मुख खोलते हैं ज्ञान। आपको जो जो पता है वह मुझे बताइएगा। यहां से ब्रह्म विद्या का शुभारंभ, उनके ज्ञान का शुभारंभ होता है अश्वपति के प्रश्न से।
आपको जो जो पता है वह मुझे बताइएगा, ताकि मैं उससे आगे आपको बताऊं आगे क्या करना है, आपको कहाँ पहुंचना है, कैसे इसकी अनुभूति करनी है। तो समय हो गया है साधु, चलिए यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।